तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। भाई इंसान कितनी भी मुश्किलों में जूझ रहा हो लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन करना नहीं भूलता। तो जैसे आप भी इतने सारे क्वेश्चंस मुझे करते हो, ये सब आप ही का प्यार है जो मुझे मिलता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर चैट के लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ और उन वीडियोज़ के अलावा भी मैं कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं सोशली एक्टिवेट रहता हूँ जो कि शेयर चैट से रिलेटेड होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पर बात यह है कि बहुत से कमेंट मुझे ऐसे मिलते हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बहुत से कमेंट ऐसे भी मिलते हैं जिनका रिप्लाई तो कर देता हूँ लेकिन बहुत से कमेंट ऐसे मिलते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यस इस पर वीडियो बना लेनी चाहिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम शेयर चैट पर अपना अकाउंट जो है वो कैसे ऐड करें। तो बड़ा मैटर भी अच्छा है और काफ़ी यूनिक है और काफ़ी लोग मेरे पे इस बात पूछ भी चुके हो। आई होप कि आप सब लोग देख भी रहे हो वो चीज़ें। तो आज के टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं कि शेयर चैट पर अकाउंट कैसे ऐड करना है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दो। सब्सक्राइब करने के लिए मैं क्यों कहता हूँ दोस्तों, इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा भी जाएगा और इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। ये है कि आप सब्सक्राइब करते हो तो आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हो और जब सब्सक्राइब कर लेते हो तो शेयर चैट से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं जब आप उसको फेस कर रहे होते हो, कोई दिक्कतों का सामना करने होते हो, तो उससे पहले मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाती है उसकी, इसीलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो शेयर चैट पर आपका जो अकाउंट है वो ज़्यादातर पेटीएम पर एक्सेप्टेबल रहता है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपकी जो अर्निंग है वो जितनी भी अर्निंग है वो आपके पेटीएम पे ही आएगी, अकाउंट में नहीं आएगी। ये चीज़ ध्यान रखें कि जो आप कहते हैं मेरा अकाउंट ऐड होना चाहिए, अकाउंट कैसे ऐड करें, अकाउंट ऐड नहीं करना है आपको। आपकी जो अर्निंग होती है शेयर चैट पर, आप जो भी अर्न करते हो यानी कि जितना भी आप पैसा कमाते हो शेयर चैट पर, एक महीने का, दो महीने का, हफ्ते का, दो हफ्ते का, वो सारा आपको एक पेटीएम के थ्रू मिलता है, जो आप सब लोगों ने देखा होगा। जब भी आप शेयर चैट पर, जो लोग नए नए प्रोग्राम में अभी चैम्पियनशिप में आए हैं वो एक बार ज़रा अपने पेटीएम में जाके देखें। पेटीएम में जाने के बाद उसमें अपना बैंकिंग में जाके देखें, अमाउंट में देखें, जैसे ही आप अपना अमाउंट देखेंगे तो अमाउंट के नीचे एक लाइन आ जाती है जो गिफ्ट वॉलेट होती है, जिसको ओपन करा होता है मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड ने। तो मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आपको एक स्लॉट बन जाता है पेटीएम के अंदर। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो अपने नंबर से तो ऑटोमेटिकली वो नंबर आपके शेयर उस पर पेटीएम पर पहुंच जाता है। इवन किसी केस में ऐसा होता है कि आपने जिस नंबर से शेयर चैट ओपन लॉगिन कर रखा है उस नंबर पे आपका अकाउंट नंबर यानी कि पेटीएम से नहीं जुड़ा होता, उस कंडीशन में शेयर चैट की तरफ से एक फॉर्म आता है जिस फॉर्म को आपको फिल करना होता है और उसमें ये लिखा होता है कि आप अपना पेटीएम नंबर उसमें डालें। तो यहाँ पर उसमें वो चीज़ें लिखी होती हैं कि उसमें आपको पेटीएम नंबर डालना होता है अपना, और पेटीएम नंबर डालने के बाद उसको आपको फिल कर देना है, और फिल करने के बाद आपके पेटीएम पे एक स्लॉट बन जाता है जहाँ आपका बैंक होता है, जहाँ पे आपका अमाउंट शो करता है, वहाँ पेटीएम पे आपका कुछ इस तरह से बना हुआ आता है। आप ये देख लो, तो ये इश्यू बाय कर रखा है मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड, तो ये इसने इशू कर रखा है। तो ये शेयर चैट का ही है, शेयर चैट का एक स्लॉट है जो मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ से आपको अर्निंग का ये मिल जाता है। अब जो अर्निंग आती है थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। अब अर्निंग क्या है, क्यों आती है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो आप शेयर चैट पर कमाते हो, जितना आप शेयर चैट पर अर्न करते हो, अर्निंग करते हो, वो एक ही पेमेंट जो है ना, वो ध्यान रखो, ये पेमेंट आपको एज अ गिफ्ट मिलती है, एज अ मनी नहीं मिलती, एज अ गिफ्ट आपके लिए। तो एज अ गिफ्ट आएगा तो गिफ्ट वॉलेट में जाता है और उसका नाम वहाँ पर गिफ्ट वॉलेट होता है जिसको इशू कर रखा होता है मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि आपके पेटीएम नंबर पर शो हो जाता है वहाँ जाके। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको शेयर चैट की जितनी भी अर्निंग मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड में पैसा पहुँचता है आप उसको वैसे ही यूज़ करते हो जैसे आप पेटीएम को करते हो। यानी कि पेटीएम में अगर आपके 2000 रुपए हैं और शेयर चैट में आप शेयर चैट के मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड में आपके 5000 आए हुए हैं तो वो 5000 भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप 2000 रुपए आपने किसी को ट्रांसफर करें, वो 5000 भी आप किसी को कर सकते हो या कुछ भी शॉपिंग वगैरह उससे कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपके बातें कि शेयर चैट पर आप अपना बैंकिंग अकाउंट ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि उसकी जो अर्निंग है वो जो पैसा देता है वो एक गिफ्ट वॉलेट में देता है और एक गिफ्ट होता है वो आपके लिए कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका एक गिफ्ट है, दक्षिणा है समझ लो आपकी वो। तो उसको लिए आपने एक मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फंड है, उस फंड से आपको पेमेंट आती है जो कि आपको मिल जाता है गिफ्ट वॉलेट में आपके पेटीएम में जाके।
तो दोस्तों कैसी वीडियो लग रही है और क्या लगता है कि कुछ कमेंट अभी भी बाकी हैं आपके, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हो। दोस्तों यही चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर देख रहे हैं यार, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज को वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय।